नमस्कार दोस्तों, आपने आजकल विटामिन सी के बारे में बहुत सुना होगा, वो चाहे सरकारी गाइडलाइन हो या फिर न्यूज़पेपर हो। आज हम इसी विटामिन सी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों विटामिन सी हमारे लिए इतना ज़रूरी है, विटामिन सी के प्रतिदिन सेवन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं और अपने खान पान में क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी क्या है। विटामिन सी, जिसे एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल मतलब हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है उतना ही हमारे शरीर में रहता है, बाकी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यही वजह है कि हमारे लिए विटामिन सी से भरपूर फल, सब्जियां या फिर सप्लीमेंट्स का सेवन करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमें विटामिन सी की आवश्यकता क्यों होती है। विटामिन सी फ्री रेडिकल से हमारी कोशिकाओं का बचाव करता है एवं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी और अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, यह अनेक प्रकार के रोगों से हमारा बचाव करता है, जैसे कि हृदय रोग। विटामिन सी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व दिल की सेहत बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। विटामिन सी हृदय संबंधी कई समस्याओं से लड़ने में कारगर है। यह धमनियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के साथ साथ रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। कैंसर, विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा करने वाले फ्री रेडिकल जैसे तत्वों से बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में भी काफ़ी मदद करता है। विटामिन सी कोशिकाओं और डीएनए में होने वाले उस परिवर्तन से भी बचाव करता है जो शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अस्थमा। विटामिन सी हमारे शरीर में अस्थमा के लिए जिम्मेदार हिस्टामाइन के उत्पादन को कम करता है, जिसकी वजह से अस्थमा या श्वास संबंधी समस्याओं के होने की संभावना कम हो जाती है। विटामिन सी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके फेफड़ों की सफाई करने में भी अहम भूमिका निभाता है। जख्म भरना, विटामिन सी एक बेहतरीन हीलर है। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से शरीर के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। एलर्जी, विटामिन सी में मौजूद एंटीहिस्टामाइन तत्व एलर्जी से बचाव कर उसके लक्षणों से निजात दिलाता है। सर्दी या खांसी होने पर आप विटामिन सी का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है तनाव। विटामिन सी न केवल आपके दिमाग को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह स्ट्रेस फाइटिंग एड्रेनलिन हॉर्मोन का स्त्राव कर आपको तनाव से राहत देता है। बालों की खूबसूरती, बालों की ड्राइनेस से बचने के लिए विटामिन सी एक बेहतरीन विकल्प है। शरीर में विटामिन सी की कमी होने से बालों में रूखापन आ जाता है। सिर की त्वचा पर सूखी पपड़ी जमने की वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं, लेकिन विटामिन सी की मदद से सिर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बाल लंबे और खूबसूरत हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अक्सर सर्दी जुकाम होना, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, अचानक वजन कम होना, स्किन की असमान रंगत, घाव का बहुत देरी से भरना, दांत और मसूड़ों संबंधी समस्याएं, थकावट और बालों की ड्राइनेस। अब बात करते हैं हमें रोज़ाना कितने मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। रोज़ाना एक वयस्क व्यक्ति को 80 से 100 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति आप फल, सब्जी या सप्लीमेंट लेके कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, जैसे कि नींबू, आंवला, नारंगी, संतरा, टमाटर, बंद गोभी और पालक आदि। इन सभी में से अगर आप किसी एक का भी सेवन रोज करते हैं तो आपकी विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। विटामिन सी सप्लीमेंट, अब बात आती है क्या हम विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं।
तो नॉर्मली हमारे खान पान से विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, इसलिए बाहर से सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ बीमार होने पर ही विटामिन सी सप्लीमेंट का प्रयोग करें। जैसा कि आपने अभी सुना होगा, कोरोना के मरीजों को विटामिन सी की टेबलेट खिलाई जाती हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।